दोस्तों, आपने यूं तो कार बहुत सी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूं दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में कि दुनिया की सबसे महंगी कार के बारे में और वे ही किसके पास है। दुबई की सड़कों पर इन दिनों दौड़ रही है दुनिया की सबसे महंगी कार। जी हां, ये सच है, इसे देखने वाला हर इंसान चौंक जाता है। इस कार की कीमत इतनी ज्यादा है कि उसकी कीमत में तकरीबन 1500 BMW कार आप खरीद सकते हैं। लगभग सभी अमीर आदमी के दरवाजे के बाहर आपको महंगी कार आमतौर पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको आज के ऐसी कार के बारे में हम बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दुबई की सड़कों पर सुपर कारों का दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की पुलिस भी करोड़ों की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी में चलती है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी कार भी दुबई में ही है। जर्मनी की कार कंपनी लैम्बोर्गिनी की ये कार 500 किलो सोने से बनी है। सोने से बनी इस कार की कीमत BMW के सीरीज 1 की 1500 कारों के बराबर है। BMW के सीरीज 1 की एक कार की कीमत 30 लाख रुपए है। वहीं इस कार की कीमत 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 502 करोड़ रुपए है। दुबई शेखों की नगरी, जहां पर पैसा अकूत है, यहां दौलत की नदी बहती है। अगर ऐसा कहा जाए तो वे गलत नहीं होगा। यहां अमीरों के पास ऐसी कारें हैं जिनको देख लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इस कार के निर्माण में जितनी कीमत अलग रही है उसमें आप हजारों BMW कार खरीद सकते हैं। इस कार में सिर्फ सोना ही नहीं है बल्कि ये आधुनिक तकनीक से लैस भी है। इस कार को बनाने में तकरीबन 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 502 करोड़ रुपए लगे हैं। कार देखने में इतना सुंदर है कि अगर कार का प्रेमी हो तो वो इस कार पर से अपनी नज़र नहीं हटा सकता है। इस कार की स्पीड की अगर बात करने तो महज 2 मिनट में ये कार 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ के भाग सकता है। फिलहाल इस कार की चर्चा लोगों की जुबान पर है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लैम्बोर्गिनी ने ये कार एवेंटाडोर LP 704 के नाम से बनाई है। इस कार को तैयार करने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। ये दुनिया की सबसे महंगी कार ही नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित कार भी है, क्योंकि इसमें बुलेट प्रूफ विंडोज और लग्जरी लोगो दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूले।